इस वीडियो में हम ब्रेकियल फ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सेस। ब्रेकियल फ्लेक्सेस इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द अपर लिम्ब। दैट मीन्स दिस ब्रेकियल फ्लेक्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर एज वेल एज सेंसरी इनर्वेशन टू द अपर लिम्ब। Now we discuss the formation of the brachial plexus. Brachial plexus is formed by the anterior primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerves. Now we talk about the components of the brachial plexus. Brachial plexus consists of roots. Root se trunk banega, trunk divide hokar divisions banayega and division se कॉर्ड्स का फॉर्मेशन होगा और इस कॉर्ड से ब्रांचेस निकलेगी जो कि अपर लिम्ब की मसल्स और स्किन को इनर्वेट करेगी। इन कंपोनेंट्स को याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर। यहां पर आर इंडिकेट्स द रूट्स, दिस टी इंडिकेट्स द ट्रंक, डी इंडिकेट्स द डिविजन्स, सी रिप्रेजेंट द कॉर्ड्स एंड बी ऑफ बियर इंडिकेट्स द ब्रांचेस। रूट्स का फॉर्मेशन एंटीरियर प्राइमरी रेमा ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व से होता है। अभी रूट्स ट्रंक का फॉर्मेशन करेगी। ऊपर की दो रूट्स दैट मीन्स C5 एंड C6 आपस में मिलकर अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करेगी। ऐसे ही नीचे की दो रूट्स मीन्स C8 एंड T1 आपस में मिलकर लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन करेगी। अब बीच में C7 रूट जो है वो अकेले बच गई है। ये अकेले ही आगे चलकर मिडिल ट्रंक का फॉर्मेशन कर लेगी। नाउ ईच ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ये डिवीजन्स आपस में मिलकर कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करेगी। तीनों पोस्टीरियर डिवीजन आपस में मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी। एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक आपस में मिलकर लैटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी। अब बच गया है एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक जो कि आगे चलकर मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेगी। इन कॉर्ड्स का नाम लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर इनके सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से रिलेशन के अकॉर्डिंगली रखा गया है। लैटरल कॉर्ड लाइज लैटरल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, मीडियल कॉर्ड लाइज मीडियल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर कॉर्ड लाइज पोस्टीरियर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। नाउ वी डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सेस। फर्स्ट वी डिस्कस द ब्रांचेस फ्रॉम द रूट। रूट से निकलने वाली पहली ब्रांच है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और नर्व टू रोम्बॉइडियस। अगर हम इस नर्व को पीछे ट्रेस करें तो हम देख सकते हैं कि ये नर्व C5 रूट से सिग्नल ले रही है। मींस डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? C5 होगी। रूट से निकलने वाली सेकेंड ब्रांच है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर और लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर हम इस नर्व को पीछे ट्रेस करें तो हम देख सकते हैं कि ये नर्व C5, C6 एंड C7 रूट से सिग्नल्स ले रही है। दैट्स मीन्स इस नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6 एंड C7 होगी। इन दो नर्व्स के अलावा रूट से फ्रेनिक नर्व एंड स्कैलनी एंड लॉन्गस कोलाई मसल्स के लिए भी ब्रांचेस निकलती है। नाउ वी डिस्कस द ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक। मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती है, बट अपर ट्रंक से दो ब्रांच अराइज होती है। फर्स्ट इज सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड सेकंड वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस। एज वी नो अपर ट्रंक इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ C5 एंड C6 रूट्स। That means upper trunk receives signals from the C5 and C6 roots. इसलिए इन दोनों nerves की root value भी C5 and C6 होगी। Now we discuss the branches from the lateral cord. Lateral cord की branch को याद रखने के लिए हमारी trick है लता loves money. लता का जो ये एल है दैट इंडिकेट्स द लैटरल पेक्टोरल नर्व।
सेकेंड एल रिप्रेजेंट द लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड दिस एम रिप्रेजेंट्स द मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. एज वी नो लैटरल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ एंटीरियर डिविजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक. अपर ट्रंक जो है वो C5 एंड C6 रूट्स के ज्वाइनिंग से बन रहा है और मिडिल ट्रंक C7 रूट्स का ही कंटिन्यूएशन है. दैट मीन्स लैटरल कॉर्ड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम C5, C6 एंड C7 नर्व रूट्स. इसलिए इन तीनों नर्व्स की रूट वैल्यू C5, C6 एंड C7 होगी. नाउ डिस्कस द ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड. मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस को याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है M4U और यूनियन ऑफ फोर मीडियल्स. मीन्स मीडियल कॉर्ड की टोटल 5 ब्रांचेस में से 4 ब्रांचेस मीडियल वर्ड से स्टार्ट होंगी और एक ब्रांच यू लेटर से स्टार्ट होगी. मीडियल कॉर्ड की 2 ब्रांचेस के नाम लैटरल कॉर्ड की पहली 2 ब्रांचेस के जैसे ही होगी. बस इस लैटरल वर्ड की जगह हमें मीडियल वर्ड यूज करना है. मीन्स मीडियल कॉर्ड की पहली ब्रांच होगी मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड सेकेंड ब्रांच होगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व. दिस मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आर ज्वाइंट टूगेदर एंड फॉर्म्स द मीडियन नर्व. थर्ड एंड फोर्थ ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म. अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक नेक्स्ट ब्रांच यू लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. सो लास्ट ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड इज अल्नर नर्व. एज वी नो मीडियल कॉर्ड लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिविजन से बनता है एंड लोअर ट्रंक जो है वो C8 एंड T1 स्पाइनल रूट्स के ज्वाइनिंग से बनती है. मीन्स मीडियल कॉर्ड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम C8 एंड T1 स्पाइनल रूट्स. इसीलिए मीडियल कॉर्ड की सभी ब्रांचेस की रूट वैल्यू C8 एंड T1 होगी. बट इन सभी ब्रांचेस में से एक ब्रांच जिसमें मीडियल वर्ड नहीं आ रहा है दैट इज अल्नर नर्व. इसमें एक्सेप्शनली C7 रूट्स के फाइबर्स भी पाए जाते हैं. दिस C7 फाइबर्स रीचेस द अल्नर नर्व बाय अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम द लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व ऑफ द लैटरल कॉर्ड. अब हम मीडियन नर्व की रूट वैल्यू की बात करते हैं. As we can see here, median nerve is formed by the union of medial root of median nerve and lateral root of median nerve. That means lateral cord and medial cord dono hi median nerve ke formation mein help kar rahe hain. Means median nerve receives signals from all the roots of brachial plexus. इसलिए मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी C5, C6, C7, C8 एंड T1 होगी. नाउ डिस्कस द ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड. हियर अवर मिनिमोनिक्स इज अल्नर. यू स्टैंड्स फ्रॉम द अपर सबस्कैपुलर नर्व. एल रिप्रेजेंट्स द लोअर सबस्कैपुलर नर्व. This N represent the nerve to latissimus dorsi or thoracodorsal nerve. A represents the axillary nerve. And last, this R represents the radial nerve. अब हम इन nerves की root values की बात करते हैं. As we know, posterior cord is formed by the union of all the posterior division of all the 3 trunks. सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सब स्कैपुलर नर्व स्कैपुलर रीजन्स की मसल्स को सप्लाई करते हैं. इसलिए जो रूट वैल्यू सुप्रा स्कैपुलर नर्व की है वही रूट वैल्यू सब स्कैपुलर नर्व की भी होनी चाहिए. एज वी नो सुप्रा स्कैपुलर नर्व इज द ब्रांच ऑफ द अपर ट्रंक एंड इट्स रूट वैल्यू इज C5 एंड C6. इसीलिए अपर सब स्कैपुलर एंड लोअर सब स्कैपुलर की रूट वैल्यू भी C5 एंड C6 है.
नर्व टू लैटिसमस डॉर्साई और थोरेको डॉर्सल नर्व की रूट वैल्यू C6, C7 एंड C8 है। हमारी इस निमोनिक में नर्व टू लैटिसमस डॉर्साई की पोजीशन बीच में है एंड तीसरे नंबर में है, इसलिए हम ब्रेकियल फ्लेक्सिस के बीच के तीन रूट्स को दैट इज C6, C7 एंड C8 को नर्व टू लैटिसमस डॉर्साई की रूट वैल्यू बना लेते हैं। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू C5 एंड C6 है क्योंकि ये स्मॉल नर्व है एंड एक्सिलरी रीजन तक ही एक्सटेंड करती है। लास्ट ब्रांच इज रेडियल नर्व विच इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द अपर लिम एंड इनर्वेट्स द इंटायर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ अपर लिम अप टू द डॉर्सम ऑफ द हैंड, इसलिए ये ब्रेकियल फ्लेक्सिस के सभी रूट से सिग्नल्स लेगा। मीन्स रेडियल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6, C7, C8 एंड T1 होगी। क्लिनिकल अप्लाइड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To watch more videos, please subscribe my channel SmartMedLearn and go to playlist or check out the links in the description section of this video.